सोनू सॉरी यार। सॉरी क्यों कह रहे हो? क्योंकि सोनू मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं तेरा दिल भी तो दुख रहा होगा ना यार। नहीं विनू, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मल्लिका के इलाज के लिए इतना कुछ कर रहे हो। सुनो एक बात बता यार, वो जैकी श्रॉफ वाली लाल पट्टी और वो बांसुरी वो मैं कहां से लाऊं यार? तुम टेंशन मत लो, लाल पट्टी और बांसुरी मैं लेके आ जाऊंगी। तुम बस मल्लिका की हर बात मानो, उसकी हरदाश वापस आ जानी चाहिए, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है सुनो। मोहन अब सोनू, मोहन तुम दोनों अकेले में यहाँ क्या बातें कर रहे हो? देखो मोहन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे अलावा किसी भी पराई लड़की से यूं अकेले में बातें करो। वादा करो मुझसे कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। जी मैं वादा करता हूँ। अच्छा जी, आप ना सोनू के साथ यहाँ आराम करो, मैं नीचे पापा जी के साथ सोता हूँ। मोहन कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या मलिका मलिका मलिका, बड़ी बेदर्द हो तुम। हमेशा कहती थी बड़े हो के आना, बड़े हो के आना। कोई बात नहीं, अब मुझे मौका मिल गया है। तुम्हें मोहन पसंद है ना? लेकिन मोहन आया है तो चंदर भी आएगा। और देखना तुम मोहन मोहन नहीं बल्कि चंदर चंदर करोगी, क्योंकि दिल तो पागल है, ऐसे कुछ कुछ होता है। और इतनी शिद्दत से प्यार करूंगा तुम्हें जब तक है जान। Thank you.
कोई भूतनी तो है नहीं उसके घर में, मैं उसके घर जाके कोई सुराग तलाश लेता हूं। विनोद के पापा, मनोहर जी, हाँ, इस तरह देखिए, मैं इस बोतल में कह दूं, मनोहर जी प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कहाँ जा रहे हैं आप? वहां मत जाइए, वापस आइए। मनोहर जी प्लीज। पुत्रा, उस भूतनी ने एक लड़की को भी बोतल में बंद कर दिया। हाँ। तो यार वो तो मेरे विनोद पुत्र को भी बोतल में बंद कर सकती है। और नहीं, और यार अब तो मुझे अपने परिवार को ना बचाना ही होगा। पहचाना मुझे? हाँ, तुमको घर में आत्मा की तरह घूमते हुए देखा है। अरे हम चंदर है, चंदर पहचाना नहीं का? अरे तुम्हारे बचपन का प्यार, तुम्हारी और हमारी शादी होने वाली थी, तुम हमसे प्यार करती हो। लेकिन मैं तो मेरे मोहन से क्या? नाम नहीं लेना उस धोखेबाज का। अरे मोहन ने तुम्हें धोखा दिया था और ऐसे में चंदर ने तुम्हारा हाथ थामा। चंदर यानी कि हम, यानी कि तुम हमसे प्यार करती थी और हमारा ब्याह होने वाला है, समझी ना? ये पुन्नू का बच्चा ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। अभी मसा चकाती हूँ। कृपया हाथ छोड़े। अच्छा, छोड़ दिए। कृपया माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी भी चंदर मंदर बंदर को नहीं जानती। मैं बस अपने मोहन को जानती हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं अपने मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। अरे मोहन 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 क्या लगा के बैठी हो? कह तो रहे हैं मोहन एक धोखेबाज है। अरे अंधी हो गई हो का? मोहन तो एक बेवफा सनम है और हम प्रेम रतन धन पायो, समझी? मोहन एक धोखेबाज आशिक और हम वफादार प्रेमी। बस, मैं अपने मोहन के बारे में एक भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं सुन सकती। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। क्या सोचती हूँ? कृपया प्रतीक्षा करें। तो क्या कहा महोदय आपने? आपको एक सप्ताह का अवकाश चाहिए। जी सर। बैठी बैठी बैठी। थैंक यू सर। कहीं घूमने जा रहे हैं? नहीं सर। नहीं आ, तो तबीयत खराब है? नहीं नहीं सर। तो एक सप्ताह का अवकाश आपको किसलिए चाहिए? मक्खियां मारने? नहीं सर, वो एक दोस्त बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए छुट्टी चाहिए थी सर। खड़े हुई। छुट्टी यानी कि अवकाश तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी कीमत पे आपको अवकाश नहीं मिलेगा। जाइए। लेकिन सर। जाइए। सर। पक्का जाइए। महोदय। अरे विनोद बाबू क्या हुआ? क्या बताऊं मिश्रा जी, लाठी जी, बहुत बड़ा कांड हो गया। हैं? क्या हुआ? विनोद बाबू, इफ यू डोंट माइंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नई पड़ोसन अपने फन के लिए आपका बैंड तो नहीं बजा रही? हाँ विनोद बाबू। नहीं गुलाटी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मल्लिका जी की सच में याददाश्त चली गई है। अच्छा जी, क्लास के बाद मिलता हूँ यार, मैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
कहीं गुलाटी जी सच तो नहीं कह रहे हैं कि मल्लिका जी अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही है? नहीं नहीं नहीं, पर हो भी सकता है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मल्लिका जी की याददाश्त सच में गई है या नहीं। मम्मी जी पता नहीं घर में क्या हो गया है, कोई नाच रहा है। इसके पापा जो है ना मुन्नू के, वो ऐसे दुबक। प्रणाम माताश्री। प्रणाम दादी माँ। पुत्र तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो। है माताश्री, मैं इस घर की होने वाली बहू और मेरे होते हुए आप काम कैसे कर सकती हैं? आप रहने दीजिए, ये सारा घर का काम मैं खुद ही कर लूंगी, क्योंकि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। पुत्र तेरी ना बैटरी वीक हो गई है, और तेरे स्क्रीन गार्ड, तेरे फेस के स्क्रीन गार्ड पे भी क्रैक आ गया। पुत्र तू रेस्ट कर। मेरी नैनीताल वाली निमी चाची ना हमेशा कहा करती है, अगर अगर बीमार हो ना कोई तो उसे रेस्ट करना चाहिए, है ना मम्मी जी? नहीं नहीं माताश्री, मैं काम करूंगी 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 करूंगी। पुत्र मेरी भी मोबाइल में ना तेरा वायरस आ गया है, मैं भी जाके रेस्ट करती हूँ। मम्मी जी ये ठीक कर रही हूँ ना मैं? अरे बहुत अच्छा है। पुत्र आज ना ये वाली सब्जी नहीं बनानी है, चाकू रख दो। ये वाली? हाँ, ये वाली बनानी है, पत्ते वाली, ऐसे ऐसे ये पत्ते। इसे ऐसे करूं? अरे बाबा ऐसे। अरे बाबा ऐसे। हाँ हाँ ऐसे ऐसे ही। हाय मेरे चकरा गई। विनू, ओ विनू, ओ ओ विनू जल्दी आ। चल रहा है कुछ नहीं, वो सीढ़ी से गिर गया था ना। मुश्किल है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है जी? इनका ठीक होना। यहाँ आप सभी लोगों के बीच में रहकर इनका ठीक होना मुश्किल है। तो क्या हम अपने घर से निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, इनको इनके घर में शिफ्ट करना होगा। वहाँ पर रोज की इनकी इस्तेमाल की हुई चीजों को देखेंगे और अपने घर में रहकर अपनापन महसूस करेंगी, तब वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर जी यू मीन कि वहाँ रहने से इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी? याददाश्त वापस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इनु, हमें मल्लिका को उसके घर लेके जाना होगा। कैसी बातें कर रही हो सोनू? ये मल्लिका जो राधा बन के हमारे घर में नाच रही है, ये उठकर ये पूछेगी कि सामने वाले घर में उसको क्यों शिफ्ट कर दिया, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? है हाँ हाँ मम्मी राइट, उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो उसका घर है। हाँ हम भी उसको यही बताएंगे कि शादी के बाद भी मोहन और राधा हमारे पास रहे, इसलिए हमने साथ वाला घर किराए पे लिया है। मिस्टर मोहन, I'm sorry, मेरा कहने का मतलब है मिस्टर विनोद, आपको भी राधा के घर में जाना होगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि मल्लिका के घर में। क्या? क्योंकि एक आप ही हैं जिनके याददाश्त को वापस ला सकते हैं, एक आप ही हैं जिनको ये पहचानती है, इसलिए राधा और मोहन दोनों को साथ में रहना होगा। ओए कन्नू, मम्मी को लेकर उतर आओ। उतर आओ। क्या कर रहे हैं? उस बुला रहे हैं। राना कल तो सुनो, ओए कन्नू अपनी मम्मी जी से बोलते विनोद पुत्र को इस भूतनी के घर ना भेजे, और इस भूतनी ने एक लड़की को बोतल में बंद कर रखा है, मेरे विनोद पुत्र को भी बंद कर देगी बोतल में। कन्नू अपने पापा जी से कह कि अब उन्हें बोतल में लड़की दिखाई देने लगी है, है? वो मल्लिका के घर में घुस गए। क्या बकवास कर रहे हैं?
वीनू, वीनू क्या सोच रहे हो? तुम मल्लिका के साथ उसके घर रहने चले जाओ। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वीनू मल्लिका की आदर्श वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नहीं, नहीं। जो मैं चाह रही थी वो हो गया, अब आएगा मजा। जो मैं चाहता था वो हो गया। अब मैं पता लगाऊंगा कि मल्लिका की याददाश्त सच में गई है कि नहीं। अब शुरू होगा विनोद का प्लान।